बताइए, फोकल लेंथ निकालनी है आपको। अगर प्लेन सरफेस पे करा तो मिरर की 0 हो जाएगी और उसकी अपन कर देंगे लेंथ। हाँ, प्लेन सरफेस इज सिल्वर, बिल्कुल। देखो ऐसे ही लिखोगे बेटा, प्लेन सरफेस को सिल्वर किया। अब ये कॉन्वेक्स लेंस से 2PL+PM से शुरू करो, ठीक है। पावर ऑफ मिरर 0 हो गई, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी, तो PM 0, ठीक है सबको एकदम। वेरी यस गुड, ओके। 1/FL कितना आ गया, अब लेंस की फोकल लेंथ लिखो, म्यू -1, 1/R1 -1/R2, तो R2 क्या इन्फिनिटी है ना, तो ये आ जाएगा 1/FL म्यू -1/R, ठीक है। तो -1/F इक्विवेलेंट ट्वाइस ऑफ 1/FL, देखो इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं, हमेशा इसको ऐसे लिख के फिर ऐसे ओपन करना है आपको, क्योंकि आपको पता है सिल्वर लेंस है तो पक्का मिरर बनेगा, तो -1/F इक्विवेलेंट, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1/F2। पावर ऑफ मिरर क्या होगी, -1/F, ठीक है। तो इन्फिनिटी फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ इन्फिनिटी, तो ये टर्म 0 होगी, ठीक है। 1/FL कितना होगा, ये रहा 1, आपने निकाल लिया पहले लेंस के लिए अलग से लगा, तो 2 -μ -1/R, तो एफ इक्विवेलेंट क्या आ गई, -R/2μ-, ये क्या बन रहा है, कॉनकेव मिरर बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ये कॉनकेव मिरर बन रहा है। और अगर मैंने इसकी कर्व सरफेस पर पॉलिश करी प्लेन सरफेस की जगह, तो क्या फोकल लेंथ अलग आ रही है क्या इसकी, देखना। अगर मैंने कर्व सरफेस पर पॉलिश करी, तो फिर वही फार्मूला 2PL+PM याद हो गया होगा आपको, आज लिख लोगे तो हमेशा के लिए, ठीक है। आज जो भी इसको लिख लेगा उसके हमेशा के लिए आ जाएगा, पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PL+PM, ये आ गया -1/F इक्विवेलेंट 1/FL PM, आ गया -1/FL, तो 1/FL कितना आएगा, μ-1/1/R1 -1/R2, R1 है आपकी इन्फिनिटी, तो 0 आ जाएगा, तो ये आ गया μ-1/R, ठीक है। तो बस FM क्या होगा, FM -R/2, ढंग से फार्मूले ही फार्मूले हैं पूरे ऑप्टिक्स में, इसके अलावा कुछ नहीं है, ढंग से लगा रहे हैं बिना साइन कन्वेंशन की गलती करे हुए, तो सारे आते जाते हैं, ठीक है। तो 1/FL आ गया μ-1/R, तो मिरर की फोकल लेंथ आ गई -R/2। अब आप इसमें रख दो, आपके इसमें FL भी रख दो, FM भी रख दो, तो देखो ये आया कितना, आया -R/2, तो डिफरेंट आ गई फोकल। तो इसका हमेशा कह नहीं सकते किस साइड पॉलिश करो, उस पर डिपेंड कर। यहाँ पे थी R/2μ-1, यहाँ पर आ रही है -R/2μ, आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो ये भी बनेगा तो कॉनकेव, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी का, सिल्वर्ड लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल ली, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ से किसी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रख के फाइनल इमेज पूछे, तो आप ऐसे नहीं करोगे, पहले रिफ्रैक्शन लो, फिर रिफ्लेक्शन लो, फिर अब डायरेक्ट एफ इक्विवेलेंट निकाल के 1/B+1/U = 1/F इक्विवेलेंट से इमेज निकाल सकते हो, ठीक है। अनुष्का कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ तक, नो सर। ओके वेरी गुड, ठीक है।